Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran 1-2 Subject Arabic. प्यारे बच्चों यहां पर असाइनमेंट में आज हमें खाली जगह को पूर करना है. यहां पर है खाली जगह पूरो. तो यहां पर अलीफ दो जे इन हुरूफ लिखा हुआ है और बीच की खाली जगह को हमें पूर करना है. अलीफ दो जे इन के बाद आएगा बा दो जेर बिन. बा के बाद ता दो जेर तीन. ता के बाद सा दो जेर सिन. सा के बाद जीम दो जेर जिन. इसी तरीके से हा दो जेर हिन. हा के बाद खा. खा दो जेर खिन. खा के बाद दाल. दाल दो जेर दिन. दाल के बाद जाल दो जेर जिन हुरूफ लिखा हुआ है. रा के बाद रा दो जेर रिन लिखा हुआ है. रा के बाद हमें लिखना है जा दो जेर जिन. जा के बाद सीन दो जेर सिन. सीन के बाद शीन दो जेर शीन. हमें हुरूफ और एराब सही तरीके से लिखना है. सीन दो जेर शीन. शीन के बाद सौद. सौद दो जेर सीन. सौद के बाद दौद. दौद दो जेर दिन. दौद के बाद तो. तो दो जेर तीन. तो के बाद जो. जो दो जेर जिन. जो के बाद एन हुरूफ आता है तो एन हुरूफ लिखा हुआ है. यहाँ पर गैन हुरूफ है तो गैन के बाद क्या हो आएगा फा दो जेर फिन. फा के बाद कॉफ है. कॉफ दो जेर किन. कॉफ के बाद काफ आता है. काफ दो जेर किन. काफ के बाद लाम. लाम दो जेर लिन. लाम के बाद मीम. मीम दो जेर मिन. मीम के बाद नून. नून दो जेर निन. नून के बाद वाव. वाव दो जेर विन. और हा हुरूफ लिखा हुआ है. यहाँ पर फिर कॉफ हुरूफ है तो हमें कॉफ के बाद काफ दो जेर किन. काफ के बाद लाम. लाम दो जेर लिन. हमें आगे वाले हुरूफ को ही देखना है कि आगे कौन सा हुरूफ लिखा है उसी के बाद वाले हुरूफ को हमें लिखना है. लाम दो जेर लिन के बाद मीम दो जेर मिन. और मीम के बाद नून दो जेर निन. इसी तरीके से नून के बाद वाव. वाव दो जेर विन. वाव के बाद हा. हा दो जेर हिन. और हा के बाद हमजा. हमजा दो जेर इन. तो हमें इसी तरीके से हुरूफ और एराब को सही तरीके से लिखना है. क्या करना है सही तरीके से हुरूफ और एराब को लिखना है. यहाँ पर हमने खाली जगह को पूर कर दिया. अब हमें जोड़ के जोड़ना है. यहाँ पर जोड़ का जोड़ो. तो यहाँ पर अलीफ दो पेश उन दो पेश वाले हुरूफ है तो हमें देखकर अलीफ दो पेश उन है तो अलीफ दो पेश उन को दूसरा ढूंढकर हमें अलीफ दो पेश उन के साथ जोड़ना है. नीचे है सा दो पेश सुन तो सा को सा के साथ जोड़ना है. सीन दो पेश सुन तो यहाँ पर हमें सीन दो पेश सुन. उसके बाद है दो दो पेश दुन तो यहाँ पर है दो दो पेश दुन. उसके बाद दाल दो पेश दुन तो ये है दाल दो पेश दुन. दाल के बाद यहाँ पर फा है तो यहाँ पर ये है फा दो पेश फून. तो प्यारे बच्चों हमें जोड़ का हो या फिर खाली जगह हो कोई भी हो लेकिन हमें हुरूफ और एराब को देखकर लिखना भी है और जोड़ के भी हुरूफ और एराब को देखकर ही जोड़ना है. ये हमारा होमवर्क. ये हमारा होमवर्क अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट में, अगर नहीं है तो हमारे अरबी की नोटबुक में हमें लिखना है. ये हमारा आज का होमवर्क है. अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.